हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बायोलॉजी की एक सुपर ट्रिक। विटामिन्स का एक क्वेश्चन हर बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन आज आप इस वीडियो को 5 मिनट देख लेंगे ना तो वो क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। और वो एक ऐसी धांसू आपको ट्रिक बता दूंगा ना, फिर वो क्वेश्चन कभी आप गलत करोगे ही नहीं। तो अगले 5 मिनट सिर्फ मुझे आप दे दीजिए और वो क्वेश्चन आपका पक्का सही होगा, और 4 मार्क्स आप एग्जाम में पक्का सिक्योर कर लोगे। चलो तो फिर विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले चैनल तो सबसे सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आता है, विटामिन से क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्यूबल है, कौन सा फैट सॉल्यूबल है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो सुनेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखी है फैट सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से हैं, ये जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है ये विटामिन ए के ई डी, ये जो 4 विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्यूबल होते हैं और वाटर में सॉल्यूबल होते हैं ये सारे। विटामिन बी के सारे होते हैं क्योंकि विटामिन बी मल्टीविटामिन है, और विटामिन सी भी वाटर में सॉल्यूबल है। अब देखो ये कब तक याद रहेगा, और एक ऐसी ट्रिक अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो चले फिर अपन बढ़ते हैं उस ट्रिक पे। अब मान लो आप भूल गए कि अभी आपको पता, अभी तो अनिरुद्ध सर ने बता दिया कि विटामिन के फैट सॉल्यूबल है, वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, या सी वाटर सॉल्यूबल है, कब तक याद रखोगे। अब एक ऐसी ट्रिक बता देंगे जो जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलो तो ट्रिक देखते हैं हम क्या है। देखो तो वो ट्रिक ये है, देखना सबसे पहले मैं क्लासिफाई कर देता हूँ सुपर ट्रिक क्या है। वो वाटर सॉल्यूबल है विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सॉल्यूबल, एंड फैट सॉल्यूबल है विटामिन के एंड के ई डी ए, ठीक है। अब देखो ट्रिक देखना ध्यान से, अब देखना मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ डब्ल्यू बी और ये सी, WBC आपको पता ही होगा बायो वाले स्टूडेंट्स, और RBC और WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। अब देखो W क्या है, वाटर रिप्रेजेंट करेगा, B क्या रिप्रेजेंट करेगा विटामिन B, C क्या रिप्रेजेंट करेगा विटामिन C, ठीक है। तो WBC की हेल्प से आप याद कर लेंगे कि ये विटामिन वाटर सॉल्यूबल है, B और C विटामिन आर वाटर सॉल्यूबल। अब देखो यहाँ तो आई मजे की बात, सर मुझे ये वाली ट्रिक पसंद नहीं आई, ठीक है दूसरी ट्रिक बता देते हैं। कीड़ा, कीड़ा याद रख लो, कीड़ा KEDA, देखो कीड़ा को इंग्लिश में बोलेंगे KEDA, देखो जुगाड़ बता रहा हूँ। कीड़ा याद रख लो, कीड़ा किसमें सॉल्यूबल है, फैट सॉल्यूबल है। तो याद रख लो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए आर फैट सॉल्यूबल, और बाकी जो बच गए विटामिन बी और विटामिन सी वो वाटर सॉल्यूबल होंगे। या तो आप इस ट्रिक से याद रख लो, या इस ट्रिक से भी याद रख सकते हो, ठीक है। या एक और आपको ट्रिक बता दूं, पता नहीं लोगों को कैसे लगी, कि बीसी पानी में घुल गया, बीसी पानी में घुल गया। अब विटामिन बी और सी अब मत पूछना क्या है, बी और सी क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है सबको क्लियर हो गया। तो अब देखो मुझे उम्मीद है ये वाली ट्रिक से आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर बढ़ते हैं, अब देखो डायग्राम से भी आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ, फिर कभी दिक्कत ना आए। अब देखो यहाँ पे मच्छर है, ये क्या है, कीड़ा, ये क्या कीड़ा है, ये पानी में घुल रहा है, नहीं घुल रहा, हमें दिख रहा है पानी में। अब ये वसा है, ये क्या है, फैट, वसा को हिंदी में क्या बोलते हैं, फैट। तो इस फैट में ये कीड़ा घुल गया, इस फैट में ये कीड़ा घुल गया, कीड़ा कौन घुल गया, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ई, तो ये सारा उसमें फैट में घुल गया। तो अब इस पिक्चर से भी याद रख लेना, देखो आपको एक चीजें हमेशा क्लियर होनी चाहिए, फैट सॉल्यूबल कौन से होगा, कीड़ा, और वाटर सॉल्यूबल क्या होगा, बीसी, डब्ल्यूबीसी से याद रख लो। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर ये ट्रिक भी पसंद नहीं आई, और नई ट्रिक बताओ। देखो यार अरुण दुवालिया के पास ट्रिक का है खजाना, आप टेंशन ही ना करो, और बढ़िया ट्रिक बता देते हैं, क्यों टेंशन कर रहे हो। अरे सर ये मोटे से अंकल कौन आ गए, बस तो भाई दोस्तों ये मोटे से अंकल को याद रख लो और आपका काम हो जाएगा। देखो एक तो ये मोटे अंकल हैं और कपड़े इन्होंने पहन नहीं रखे, भाई बीच बीच में तो सब ऐसे बैठते हैं, बॉक्सर वॉक्सर में बैठते हैं, तो अंकल भी ऐसे मस्ती उठा रहे हैं बीच में बैठ के। क्या कर रहे हैं अंकल, अंकल बीच में बैठे हैं, और कैसे बैठे हैं, मोटे अंकल नेक्ड पर्सन है, ये फैट नेक्ड पर्सन, आप पिक्चर में देख के कर पा रहे होंगे, तो फैक्ट है, फैट है जो ये, मतलब वसा, हिंदी वाले देखेंगे वसा। अब जो नेक्ड है, नेक्ड का ए के ई डी, ए के ई डी क्या याद रख लोगे, विटामिन ए के ई डी आर फैट सॉल्यूबल, इस लाइन की हेल्प से ये पिक्चर मान लो आप दिमाग में रह जाए कि मोटे अंकल बैठे थे बीच पे, और बीच पे तो सब ऐसे ही कपड़े उतार के बैठते ही हैं, मस्ती करते हैं, तो ये मोटे अंकल क्या फैट वाले हैं, फैट मोटे अंकल, और वो नेक्ड बैठे थे, मतलब ए के ई डी आर फैट सॉल्यूबल। तो इस सर से भी आप चीजें याद रख सकते हो, मुझे उम्मीद है ये वाली ट्रिक भी अब आपको क्लियर हो गई होगी। बस एक छोटी सी ट्रिक आपको बतानी थी, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है विटामिन, अब आपसे कोई भी पूछ ले कि विटामिन बी वाटर सॉल्यूबल है फैट सॉल्यूबल, आप फटाफट बता पाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि सबको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कौन वाटर सॉल्यूबल है फैट सॉल्यूबल विद द हेल्प ऑफ अनिरुद्ध वालिया ट्रिक।
और आपको टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।